By the way guys, ये मेरा first international trip है 2023 का। अंकल कमेंट बहुत आते हैं कि आपको लेके चलूं मैं एक international trip पे। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो यार मेरी सुबह की है अभी flight और मैं अभी साथ क्या काम कर रहा हूँ अंकल जी? गाड़ी देकर के आ रहा हूँ workshop पे। और काम क्या है भाई, मेरे को S4 को इतना मॉडिफाई करवाना है जितना किसी ने ना देखा हो। और मैंने भी मैं तो ये सोच रहा था कि गाड़ी में अब इतना काम हो गया, अब इसमें काम कराने की जरूरत नहीं है। अभी अंकल लाइट्स हैं, गाड़ी की कॉस्मेटिक मोड्स अभी भी थोड़े बहुत बाकी है, जिसके बाद गाड़ी के लुक्स आप लोग देखोगे ना, आप लोग बोलोगे हाँ भाई ये दुबई गाड़ी आपने बना दी। इस टाइम तो गाड़ी देख के वैसे भी क्या लगती है। तो फिलहाल मैं अभी छोड़ूंगा अंकल जी को उनके घर पे और फिर सुबह पिक करूंगा लगभग 6 घंटे बाद। तो घर जाके मेरे को करनी है पैकिंग भी, बिकॉज मैं अभी निकलने वाला हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ वीडियो के अंदर बने रहना और अपने करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। सात बजे की फ्लाइट है, उसके लिए मेरे को एयरपोर्ट पहुंचना है कम से कम 4:30 बजे, मैक्सिमम 5 बजे। तो अंकल जी आपको भी घर जाके मुश्किल से भाई 4-5 घंटे की नींद मिलेगी। वो कंज्यूम करके ले करके ढंग से वो मेरे को एयरपोर्ट छोड़ देना। मेरा तो मेरे को पता ही नहीं मैं सोऊंगा नहीं सोऊंगा। आप तो नहीं सोओगे भैया। कमाल की बात ये है कि T3 पे ही मेरे को आना है। अभी राइट मुड़ जाऊंगा तो घर आ जाएगा, लेफ्ट मुड़ूंगा तो T3। अभी हम T3 से जा रहे हैं। ओके मम्मा, मैं आप सो जाओ। ओके, ध्यान रखना। और आपका सामान कुछ? कुछ खास नहीं। तो भी ने मैंने पूरी कर ली है पैकिंग अपनी, डन। ये वाला जो बड़ा वाला बैग लिया है इस बार, इसमें सारा कुछ एक ही साइड आ गया, तो सही है ये वाला बैग। भाई पापा तो सो गए हैं तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते, बाकी मैं ना अभी जिम में गया था कराने के लिए अपना हेयर कट वगैरह। तो देखो यहाँ पे जो बाल आ जाते हैं ना, उनको मैंने पूरा हटवा दिया, फिर करवाया फेशियल अपना। तो मैं पूरा रेडी हूँ ट्रिप पे जाने के लिए। बस हम निकल जाएंगे पूरे 3:50 पे घर से। 3 hours later। नींद तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता है कि यार कहीं तुमको जाना होता है ना, या तुम्हारा कोई प्लान होता है अगले दिन का, तो तुम्हें नींद नहीं आती एक्साइटमेंट की वजह से। तो वैसा ही सीन मेरे साथ था। वैसे मैं घर आके भी नहा धो लिया, उसके बाद थोड़ा मैं लेट गया था, और उसके बाद जो मेरी चप्पल थी डालना भूल गया बैग में, तो दोबारा बैग खोला है, उसको पैक करता हूँ लॉक लगा करके। जब मैं ट्रैवल करता हूँ यूजली, तो मेरे जो आउटफिट रहता है बहुत बेसिक सा रहता है यूजली, वैसे भी ऐसे ही रहते हैं शॉर्ट्स और टी शर्ट, बट आज मैंने थोड़ा अपना होता है ना कम्फर्टेबल वाला आउटफिट वो चूज़ करा है। चलो ठीक है भैया जी, बढ़िया ठीक है। अंकल तो भागे भागे आ रहे हैं बिल्कुल। इनको मैंने कहा था कि अंकल मेरे को टाइम पे मिल जाना। ये क्या है? ये बेल्ट जरूरी है, नहीं कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। तो मारते हो नहीं ना किसी को? नहीं मारता नहीं हूं, लेकिन डराने, अच्छा, डराने के लिए। सही है अंकल जी, अभी अंकल अब मेरे से अलग हुए थे। 3-4 घंटे सोए हो? अच्छा सारी बातें बाहर ही करोगे, हाँ तो बैठ तो जाओ। By the way guys, ये मेरा first international trip है 2023 का, तो मेरे को ऑल द बेस्ट वगैरह कमेंट से बताओ। बाकी यार अगर आपको नहीं पता मैं कहाँ जा रहा था, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मेरी आईडी है YPM Vlogs, बिकॉज वहाँ पे आपको फोटोज रील्स सब कुछ अपलोड करता हूँ। तो मेक श्योर गाइस फॉलो मी ओवर देयर। अंकल कमेंट बहुत आते हैं कि आपको लेके चलूं मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो गाइस आप इस वीडियो पे ना कमेंट कर ही दो कि अगले ट्रिप पे अंकल जी को लेके जाया जाए ना लेके जाया जाए। बढ़िया, कैसे हो जी? बढ़िया। अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू सो मच। सब बढ़िया चल रहा है जी। मेरा जो सेकंड काउंटर है वो सी है, मेरे पास एक ही बैग है, तो सही है, आज जल्दी जल्दी हो जाएगा सब कुछ। डेली ड्यूटी फ्री इज हेयर, आपको दिखाता हूँ अभी क्या क्या अब सस्ता आ रखा है आजकल यहाँ पे। लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट वाले प्राइस पर मिलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वाले क्या बोल रहा हूँ, सस्ती मिलती है। 10% डिस्काउंट है यहाँ पे जॉनी वॉकर्स पे। यहाँ पे ब्लू लेबल है जो कि इसको सबसे ज़्यादा एक्सॉटिंग मानते हैं, 24,000 रुपये की है। वैसे यहाँ जब मैं कहता चंडीगढ़ तो वहाँ 12,000 रुपये की थी। मेरी ना बोर्डिंग शार्ट हो चुकी है, सिक्योरिटी चेक में वही बहुत टाइम लग गया। और रही बात उसकी जो होता है इमिग्रेशन, उसमें 1 घंटा लगा है। इतनी लंबी लाइन मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी इमिग्रेशन के अंदर। अगर किसी को खानी हो चॉकलेट्स वगैरह तो यहाँ पे सारी चॉकलेट्स हैं, W1, गोडीवा। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ में कि जो मेरे शूज़ हैं वो रिमूव करवा दिए, बिकॉज उनको लगा होगा जैसे इतने बड़े बूट्स हैं तो इसमें क्या ही है। तो उन्होंने बोला इसमें कोई लाइटर वगैरह, तो मैंने बोला नहीं इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैंने उतारे, फिर दोबारा से कहोगे मैं निकल लिया। पर पूरे में मेरे को लग गया 1 घंटा। चेक इन में इट ओनली टुक 2 मिनट्स बिकॉज आई हैड दिस स्पाइस मैक्सिंग का जो आता है। क्विक कॉफ़ी ग्रैब करी है मैंने, गेट नंबर मेरा 4 है, 15 मिनट की वॉक है। और यहाँ पर एरो ब्रिज भी नहीं है, मैं बोला एरो ब्रिज होगा, मैं भागता हुआ आया हूँ, गेट बंद है। 6:30 बजे की बोर्डिंग थी। प्लेन कोरिएंडर एयरलाइंस का है, ऑपरेटेड बाय स्पाइसजेट। तो ये मेरी सीट है बिल्कुल आगे की, 1A, लेग स्पेस 1 नंबर है इसके अंदर। यार एक चीज़ तो है, स्पाइस मैक्स लेके फ़ायदा तो है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बिकॉज प्रायोरिटी चेक इन हो गया है मेरा, चेक इन भी प्रायोरिटी है और बोर्डिंग प्रायोरिटी, पूरा प्लेन खाली पड़ा है, यहाँ पे आराम से बैठा हूँ। सीट्स हैं उनमें लेग स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है, ऑल दो आपके जो पैर हैं वो वहाँ पर नहीं जा सकते। और आती मेरे को ये पानी मिला है, वेलकम ड्रिंक के तौर पर।
मेरे को मील मिला है क्रोजो, साथ में ये डोसा है, इडली है और उत्तपम, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, साथ में ये एप्पल जूस। मैंने आज तक इतना बड़ा कोको कैन नहीं देखा, 350 ml का कैन है ये। तो गाइस फाइनली लैंडेड इन माय सेकंड होम, क्या है वो, दुबई। तो यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, देखते रहो अभी अपकमिंग व्लॉग्स पता लग जाएगा। मेरी फ्लाइट तो बिल्कुल ही खाली थी आज, और यहाँ पे बैगेज नंबर है 4, वहाँ से सामान लेना है। अभी एक और फ्लाइट आई हुई है तो हर लोग उसका जा रहे हैं, मैं सबसे पहला हूँ उतरने वाला, मेरी फ्लाइट सबको खाली पड़ी थी। दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि इसको खुद की अपनी एक ट्रेन चाहिए, तो अभी ट्रेन आएगी हमें लेके जाएगी बैगेज क्लेम पे। भैया राजीव चौक छोड़ दो, हमें जाना राजीव चौक। एक चीज़ मैंने आज देख ली कि स्पाइस मैच करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, सबसे पहले मैंने अपना चला दिया इमिग्रेशन, उसके बाद बेल्ट पे आ गया, यहाँ पे जब आगे जब आके प्रायोरिटी में हमारे काम में सब कुछ जल्दी जल्दी हो गए। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने होटल जो कि है एमिरेट्स ग्रैंड, और वहाँ पे आपको जाकर दिखाऊंगा उसका व्यू, कितना बढ़िया व्यू होता है, बस मिल जाए जो व्यू मैं चाह रहा हूँ, बिकॉज दे ऑलवेज से कि वो ख़त्म हो गया है या वो रूम अवेलेबल नहीं है। बट अगर आज अपनी किस्मत अच्छी हुई तो अपनी जो हैशटैग में भी फैम है उनको मैं दिखाऊंगा एक बहुत बढ़िया व्यू। एंड द मोस्ट फेमस शेख जायद रोड इज़ हेयर। ये रहा दुबई म्यूजियम, जो भी बना फ्यूचर म्यूजियम, वो रहा अपना बुर्ज खलीफा। और यहाँ पे टैक्सी एक सुपर एक्सपेंसिव, टैक्सी का अगर आप लेते हो एयरपोर्ट से आपको पड़ेगी 4 dirham पर किलोमीटर, और इसका जो बेस फेयर है वो है 25 dirham। तो ये इसका सीन है टैक्सी का, वैसे नॉर्मली बेस फेयर है 5 dirham और नॉर्मली 1.5 dirham पर किलोमीटर का ही लोग लेते हैं। बात तो मेरी जैसे अभी हुई है इनसे, ये कह रहे हैं कि आप आना 2 बजे के अराउंड, आपको हम रूम दे देंगे, बिकॉज अभी ये पूरा होटल है फुली बुकड है। तो अभी थोड़ा जा रहा हूँ घूमने के लिए। दुबई मॉल पता है कितना दूर है, ये मेट्रो स्टेशन है, इसके अगला दुबई मॉल है, दैट्स इट। पहले का मेट्रो कार्ड पड़ा हुआ था मेरे पास, तो सीधा मेरे को ट्रेन ही बोर्ड करनी है। मेट्रो गेट वैसे टिकट 6 dirham की होती है पर साइड, कहीं भी चले जाओ। वेलकम टू द दुबई मॉल। थोड़ी सी अभी मैंने कली धागा जाती है टैंकी के अंदर रखूँ, जो मेरे को सामान देखना था वो देख लिया, अब बुर्ज खलीफा थी, पक्का बुर्ज खलीफा दिखा रहा हूँ। 1, 2 and 3 फाइनली गाइज, बुर्ज खलीफा के ऊपर नीचे आ गया हूँ, क्योंकि वाइब अलग ही है। बहुत तेज़ की भूख लग गई है मेरे को, खाने का मन तो चिकन है बट पापा को पता लग गया तो तोड़ देंगे। पिज्ज़ा खाने के लिए आ गया हूँ, मार्गरीटा पिज्ज़ा, साथ में आइस लाटे, और ये कि उन्होंने ब्रेड दिया साइड में कंप्लीट। इसके दांत देखना देखो ज़रा कितनी खतरनाक है ये, सो शार कौन सी है मैं नाम भूल गया इसका, मैं बताऊँगा इस गवर्नमेंट्स के अंदर। देखते देखते फर्स्ट शॉपिंग हो गई, मैंने फ्लिप फ्लॉप्स लिए हैं, इनके नए लॉन्च हुए हैं, सुपर कम्फर्टेबल। यहाँ पर हुडीज़ की भी अच्छी कलेक्शन है अभी, बट हुडीज़ का तो अब चला गया ना सीज़न दिल्ली में। आई हैवंट सीन इतना बड़ा हॉट व्हील्स का ट्रैक आज तक, जो भी सिर्फ 20,000 रुपये का है, इतना बड़ा ट्रैक अल्टीमेट गैराज, वहाँ तो इंडिया में तो बैन ही हो गए, यहाँ लाइन लगी पड़ी है, लेकिन यहाँ महंगे बहुत हैं। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ ये सिर्फ जो है ये 1300 रुपये की हैं, दिल्ली में 300 रुपये की मिलती थी। जो मेरा बर्थडे का केक था ना, पहले बनना था पूरा इस अल्टीमेट गैराज के ऊपर ही, बट नहीं बन पाया था, बट मेरे को ये चीज़ अब दुबई में दिख गई। 1 hour later तो फिर हो जाए एक बढ़िया सा रूम टूर आप लोगों के लिए। तो इतना बढ़िया मेरे को ये रूम मिला है, और इसके अंदर इतनी स्पेस है कि लिटरली मैं अब भाग सकता हूँ पूरा। और ये 2 बेड ट्विन बेड्स, बट मेन बात है व्यू की। व्यू क्या है, बुर्ज खलीफा और शेख जायद। तो बस भाई अब मैं जरा थोड़ा नहाता धोता हूँ, बिकॉज मैं सुबह का निकला हुआ हूँ, और सुबह नहा के ही निकला था, बट मेरे को मैं हमेशा बोलती कि जब तुम जाते हो ना फ्लाइट से तो तुम्हारी जो बॉडी है ना वो थोड़ी अनहाइजीनिक हो जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, अपने जरा जाके नहाता हूँ, और अपने आज के ब्लॉग खत्म करते हैं यहीं पर ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।